हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि सैमसंग गैलेक्सी A23 फ़ोन में आप लोग कीबोर्ड थीम को कैसे चेंज कर सकते हो। अगर आपके पास एक सैमसंग गैलेक्सी A23 फ़ोन है और इस फ़ोन में जो है आपको कीबोर्ड थीम को चेंज करना है, तो मेरे फ़ोन में देख सकते हैं नॉर्मल वाला जो कीबोर्ड थीम है वो लगा हुआ है। तो इसको मैं चेंज करके आपको दिखाऊंगा गाइस, तो कैसे आप लोग अपने इस फ़ोन में कीबोर्ड थीम को चेंज कर सकते हो गाइस, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कीबोर्ड थीम को चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस, जनरल मैनेजमेंट का। तो इस जनरल मैनेजमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा गाइस सैमसंग कीबोर्ड सेटिंग्स का। तो इस सैमसंग कीबोर्ड सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा थीम का। तो इस थीम के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन है डार्क सॉलिड लाइट। अगर आप लोग सॉलिड लाइट पे क्लिक करोगे तो देख सकते हैं हमारा जो कीबोर्ड थीम वो चेंज हो चुका है, कुछ अलग टाइप का हो चुका है यहाँ पर कीबोर्ड थीम। उसके बाद डार्क पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक कलर का कीबोर्ड आ चुका है यहाँ पर। उसके बाद सॉलिड डार्क पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके का कीबोर्ड थीम आपके फ़ोन में सेट हो जाएगा। तो और भी बहुत सारे कीबोर्ड थीम को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो गाइस। तो डाउनलोड कैसे करेंगे इसके लिए मैंने अलग से वीडियो जो है बना कर रखा, आप लोग मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने सैमसंग गैलेक्सी A23 फ़ोन में आप लोग कीबोर्ड थीम को चेंज कर सकते हो। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।